पन्ना रत्न की प्राकृतिक हरितिमा हजारों सालों से मनुष्य को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। प्रकृति का जो हरा कलर है वो बहुत ही मनमोहक होता है। दर्शकों, आप जानते हैं कि जब भी आप पन्ना रत्न को कहीं देखते हैं तो सहसा उसको अपने हाथों में लेने, उसको स्पर्श करने और उसका हरा रंग आपको अपनी ओर खींच लेता है। पन्ना एक अद्भुत रत्न होता है। इसके अंदर बहुत से वैज्ञानिक गुणधर्म भी उपलब्ध है। आज जानते हैं पन्ना के बारे में। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है astroswamiji.com में। रत्नों के रहस्य श्रृंखला में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण रत्न एमराल्ड यानी कि पन्ना के विषय में बातचीत करने वाले हैं। बहुत प्राचीन समय से पन्ना के विषय में लोगों के अंदर एक उत्साह होता है, उत्सुकता होती है। तो जानते हैं पन्ना के बारे में कि कैसे होती है पन्ना रत्न की उत्पत्ति, क्या विशेषताएं हैं पन्ना रत्न के अंदर, पन्ना रत्न के क्या क्या विशेष विभिन्न उपयोग, पन्ना रत्न से हमारे जीवन में क्या लाभ होता है, किन लोगों को दर्शकों पन्ना रत्न धारण करना चाहिए और किन लोगों को और किन वजह से हो सकती है पन्ना रत्न धारण करने से हानि भी, ये भी बहुत जरूरी है। पन्ना रत्न की पहचान क्या होती है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप खरीद तो सकते हो परंतु ये सही पन्ना है या नहीं है ये आपको बताएंगे इस वीडियो में। और साथ ही आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपने पन्ना की देखभाल करनी है ताकि ये कई सालों तक आपको सभी प्रकार की समस्याओं से उन्मुक्त रखे और आपके जीवन में खुशहाली प्रदान करता रहे। चलिए दर्शकों, करते हैं इस अद्भुत सफर की शुरुआत। सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं कि कैसे होती है पन्ना रत्न की उत्पत्ति। दर्शकों, हजारों वर्षों से पृथ्वी के क्रोड के अंदर जो कि गर्म है, पैगामाइट नाम का एक पदार्थ होता है, बहुत भारी दबाव और बहुत उष्णता माने कि हजारों डिग्री सेल्सियस के अंदर वो गर्म होता है। जब ज्वालामुखी के अंदर विस्फोट होते हैं तो आप सभी को पता है कि मैग्मा बाहर निकलता है, जिसको कि हम हिंदी में लावा कहते हैं। उसी लावा के साथ में जो है कि पन्ना जो रत्न होता है उसके जो मूल द्रव्य होते हैं वो बाहर निकलता है। दर्शकों, इसी द्रव्य से बाद में जब ये धीरे धीरे करके ठंडा होता तो चट्टानों के रूप में जो है हमें पन्ना रत्न की दर्शकों उत्पत्ति होती है और हमें पन्ना रत्न प्राप्त होता है। दर्शकों, यहां पर अब बात आती है पन्ना रत्न की विशेषताओं कि क्या है पन्ना रत्न की विशेषता। तो आपको सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि पन्ना रत्न प्रेजेंट करता है बुध ग्रह को, और आप जानते हैं कि बुध ग्रह बुद्धि के देवता हैं। हमारी जो मेमोरी होती है जिसको कहते हैं कुशाग्र बुद्धि, उसका कारक ही बुध है और उनको रिप्रेजेंट पन्ना करते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि यदि आपके साथ में कुछ इस प्रकार की स्थिति है तो निश्चित रूप से पन्ना इसके लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। यदि आपने पन्ना अपने हाथ में धारण करके रखा हुआ है, आप बहुत अच्छे प्रवक्ता बन सकते हैं, आप एक अच्छे वकील बन सकते हैं, आप किसी विश्वविद्यालय में बहुत अच्छे प्रोफेसर बन सकते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में भी पन्ना की बहुत बड़ी उपलब्धता होती है, क्योंकि जो लोगों के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है उसका पन्ना रत्न यदि आपने धारण कर रखा है तो निश्चित रूप से यह लोगों के ऊपर एक छाप छोड़ने वाला दर्शकों होता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, आप सबको इस बारे में पता है। तो जब आपने पन्ना रत्न अपने हाथ में यदि धारण कर रखा है तो सामने वाले के साथ आपका एक ऐसा इंप्रेशन हो जाता है कि वो कभी भी आपको अपने दिमाग से दर्शकों निकाल ही नहीं पाएगा, इतना अद्भुत है पन्ना। दूसरी बात है कि यदि किसी व्यक्ति को त्वचा से संबंधित एलर्जी है, स्किन एलर्जी यदि किसी व्यक्ति को लंबे समय से चली आ रही है, तो पन्ना उसके लिए वरदान साबित है। उस यदि आपके साथ में एलर्जी की समस्या आपको स्किन से रिलेटेड है, आपको दमा की प्रॉब्लम है, श्वास की प्रॉब्लम है, या फिर आप फेफड़ों से संबंधित किन्हीं प्रॉब्लम से आप सामना कर रहे हैं, आपको कोई वायरल इन्फेक्शन है, इस कंडीशन में यदि आप जल में पन्ना रत्न को डुबो करके यदि आप उसका जल भी पीते हैं तो दर्शकों बहुत ही अच्छा प्रभाव पन्ना का जो है आपके जीवन में प्रदान करता है। पन्ना रत्न अन्य रत्नों से काफी अच्छा भी माना जाता है, स्ट्रांग भी माना जाता है,
और हम आपको बताना चाहते हैं कि हीरे के बाद यदि स्ट्रांगनेस की बात करें तो पन्ना की पन्ना का रत्न दर्शकों आता है, क्योंकि ये किसी भी कंडीशन में इस पर बहुत कम संभावनाएं होती हैं कि कोई क्रॉच लग जाए या फिर पन्ना आसानी से टूटता दर्शकों नहीं है। दर्शकों बात करते हैं पन्ना रत्न के उपयोग के बारे में। यदि हम आपको सच बताएं तो पन्ना रत्न के उपयोग की तो कोई सीमा ही नहीं है। हजारों वर्ष से मनुष्य इसका कई कई तरीके से प्रयोग करता आया है। आप औषधियों से लेकर के जो आयुर्वेद की जो औषधियां होती है उसमें भी दर्शकों पन्ना का प्रयोग होता है। औषधियों से लेकर के ज्वेलरी, जो हीरे जवाहरात हैं, जहां पर साज सजावट का काम होता है, जो बहुमूल्य जो कि रत्न होते हैं, जो बहुमूल्य जवाहरात होते हैं, उन सब पर दर्शकों पन्ना रत्न का काम किया जाता है। पन्ना रत्न लग्जीरियस के लिए भी जाना जाता है। यदि आपके पास पन्ना रत्न है तो एक आपकी अलग ही छटा दर्शकों आपकी बनती है। तो पन्ना का जो आकर्षण है हमने आपको पहले ही कहा है कि पन्ना का जो आकर्षण है वो हमेशा व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित दर्शकों को करता है। तो इसकी जो विविधता है वह ज्वेलरी से लेकर के हर प्रकार से, भले ही वो आपके कानों की बालियां हो, गले का हार हो, हाथ की अंगूठियां हो, आपको निश्चित रूप से पन्ना वहां पर मिलेगा। कई लोग तो जो लग्जरी घड़ियां होती हैं उनमें भी दर्शकों पन्ना का प्रयोग होता है। इसके अलावा लोग अपने घरों में भी, यहां तक कि बर्तनों के अंदर भी लोगों ने जो है खूब खूब पन्नों का दर्शकों प्रयोग किया है। आप देखेंगे कि यदि आपके घर में जो झूमर लगे होते हैं, झाड़ फानुस लगे होते हैं, और जो दीवारों की जो नक्काशी होती है उसमें भी पन्ने का बहुत प्रयोग किया जाता है। यहां तक कि जो मिस्र के जो पिरामिड हैं और जो प्राचीन हिंदू मंदिर हैं वहां पर भी पन्ने का मूर्तियों के अंदर, मूर्तियों की आंखों के अंदर, और पिरामिड में जो फिरौन होते हैं दर्शकों, उनके पिरामिड के अंदर भी, उनकी ममीज के अंदर भी जो है पन्ना रत्न की बहुतायत जो है पाई गई। दर्शकों बात करते हैं कि कौन कौन व्यक्ति पन्ना धारण कर सकता है। सबसे मेन बात हम आपको कहना चाहते हैं कि दो प्लेनेट हमारे खगोल में ऐसे हैं जिनको वाटर कलर कहा गया है, एक चंद्रमा, दूसरा बुध। ये ग्रह बहुत जल्दी कमजोर पड़ जाते हैं। दूसरा, ये दूसरे ग्रहों से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। तो यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर हैं तो आपको निश्चित रूप से ही पन्ना धारण करना चाहिए। यदि आपकी कन्या राशि है या फिर आपकी मिथुन राशि है तो दर्शकों, इसके अलावा हम आपको बताना चाहते हैं कि यदि आपकी मकर राशि है, पन्ना रत्न विशेष तौर पर आपको जरूर धारण करना चाहिए। जबकि सिंह, धनु, मीन राशि वालों को विशेष परिस्थितियों में आप किसी ज्योतिषी से संपर्क करने के बाद पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। विशेष तौर पर आपको बताना चाहते हैं कि मेष राशि, कर्क राशि और वृश्चिक राशि वाले जातकों को पन्ना रत्न दर्शकों नहीं धारण करना। दर्शकों अब आपको बताते हैं सबसे मुख्य बात जो कि आप बिल्कुल जानना चाहेंगे, और यह है कि पन्ना रत्न असली है या नकली है, ये कैसा जाने। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि साधारण व्यक्ति, कहते ना कि हीरे की पहचान कोई जोरी ही जान सकता है, तो वो कैसे जान सकता है, ये बहुत बड़ा आज हम आपके सामने खुलासा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला उदाहरण हम आपको ये देंगे कि यदि आप किसी जवाहरात की या फिर किसी जेम्स स्टोन को खरीदने के लिए आप जाएंगे और आपके सामने रत्न रखे जाएं और दूसरे नकली रत्न रखे जाएं जो कि कांच या प्लास्टिक से निर्मित हो, तो दर्शकों साधारण व्यक्ति की जो उंगली होती है वो सबसे पहले कांच की तरफ ही जाती है। और दर्शकों क्या होता है इसका मुख्य कारण, इसका मुख्य कारण है कि जो हर व्यक्ति ये सोचता है कि वो रत्न खरीद रहा है तो जो चमकदार चीज है वह रत्न होगा, लेकिन दर्शकों ये सत्य नहीं है। आप हमेशा सुनते हैं पत्थर, रत्न, रत्न क्या है, जेम्स स्टोन, वो एक पत्थर ही होता है। तो कभी भी जब आप पत्थर को अपने हाथ में लेंगे तो वो पत्थर के जैसा ही दर्शकों होगा, लेकिन हाँ कुछ विशेषताएं हर स्टोन के अंदर अलग अलग होती हैं। पन्ना रत्न विशेष, उसके अंदर एक हल्कापन होता है। सबसे बड़ी बात है कि अच्छा पन्ना वही माना जाता है जो ट्रांसपेरेंटेड होता है। दर्शकों कभी भी ऐसा पन्ना नहीं लेना चाहिए जिसके अंदर दाग, धब्बे या जाल हो या फिर किसी भी प्रकार का कट का निशान उसके अंदर लगा हुआ हो। इस प्रकार का पन्ना आपको फायदा नहीं बल्कि कोई बहुत ज्यादा नुकसान दे सकता है, यहां तक कि आपको माइंड से मेंटली डिस्टर्ब भी दर्शकों कर सकता है। तो इस चीज में बहुत ही ज्यादा केयरनेस की जरूरत हमें होती है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि यदि हम रत्न को
खरीदना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, तो किसी रत्न विशेषज्ञ की ही सलाह उसमें हमें विशेष तौर पर लेनी चाहिए। लेकिन फिर भी हम आपको बताना चाहते हैं कि असली पन्ना आप यदि हाथ में लेंगे तो उसके अंदर एक हल्कापन होता है, उसके अंदर एक पत्थर वाला भी अपना एक उसका अपना एक अनुभव होता है, और उसके साथ यदि आप पानी की एक छोटी सी ड्रॉप उसके ऊपर रखेंगे तो वो अपनी जगह स्थिर हो जाएगी, वो इधर उधर दर्शकों नहीं बहेगी। क्योंकि हर रत्न क्या करता है, उसके अंदर एक 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 ग्रेविटी होती है, वो जो है अपना जो भी उसका प्लेनेट है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, तो उसकी जो पावर है अपनी तरफ खींचता है। इसलिए जब भी आप जल उसके ऊपर डालते हैं तो वो उसकी जो ग्रेविटी होती है रत्न की, वो उस जल को भी अपने पास एक प्रकार से उसको बहने नहीं देता है, दर्शकों पकड़ के रख लेता है। तो ये थी पन्ना रत्न की विशेषता। दर्शकों कहां से आपको सहज रूप से पन्ना उपलब्ध हो सकता है, बताते हैं पन्ना की उपलब्धता के बारे में, कहां का पन्ना विशेष माना जाता है। दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे अच्छा जो पन्ना माना जाता है वो ब्राजीलियन पन्ना माना जाता है। ब्राजील का जो पन्ना होता है उसकी क्वालिटी बहुत ही उत्तम होती है। इसके साथ ही जितने भी ठंडे प्रदेश है जैसे रशिया का पन्ना भी आप धारण कर सकते हैं, यूएस से भी, यूनाइटेड स्टेट से भी जो है दर्शकों पन्ना आता है, कंबोडिया का पन्ना भी एक अच्छी क्वालिटी का पन्ना होता है। इसके अलावा मेडागास्कर का भी जो पन्ना होता है वो भी काफी बेहतर पन्ना होता है। अमूमन जितने भी सारे ठंडे प्रदेश हैं वहां से जो है पन्ना की दर्शकों प्राप्ति होती है। आपसे हम एक प्रश्न यहां पर जरूर पूछना चाहते हैं, यदि आपने पन्ना खरीदा है, आपके पास यदि पन्ना है तो आप जान सकते हैं कि क्या वो अच्छा पन्ना है, वो कहां से आया है। तो आप यदि पन्ना की फोटो हमें कमेंट बॉक्स में भेजेंगे तो हम बता देंगे आपको कि आपका पन्ना कौन सी क्वालिटी का है, ये प्रीमियम क्वालिटी का पन्ना है, मीडियम है, या फिर स्टैंडर्ड क्वालिटी का है। दर्शकों ये हम आपको कमेंट बॉक्स में बता देंगे, इसलिए अपना क्वेश्चन आप जरूर भेजिए। और आप ये भी उसमें पूछ सकते हैं कि आपके लिए पन्ना रत्न अच्छा है या नहीं है, तो अपना कमेंट हमें जरूर भेजिए, हम जरूर आपका जो है इसका जवाब आपको देंगे। दर्शकों हमारे YouTube चैनल के ऊपर और भी बहुत सारे वीडियो हैं, आप देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में वर्ष 2023 राशिफल किस प्रकार से प्रभाव आपके ऊपर रहने वाला है। इसके अलावा दोषों की हमारी एक श्रृंखला है, आपकी कुंडली में जो योग है या दोष है उसके लिए भी आप हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। जेम्स स्टोन की पूरी प्लेलिस्ट दर्शकों हमारे पास है, आप जान सकते हैं पन्ना रत्न के अलावा माणिक्य के बारे में, पल यानी कि मोती के बारे में, नीलम के बारे में, पुखराज के बारे में, डायमंड के बारे में, सभी प्रकार की जो भी सारी जानकारी है वो दर्शकों हमारे प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी, और हमारी अन्य भी वीडियो को आप जरूर देखिए। दर्शकों पन्ना रत्न वास्तव में एक अद्भुत रत्न है, इसको धारण करने से निश्चित रूप से आपको बहुत सारे लाभ आप अपने पर्सनैलिटी में, अपने स्वास्थ्य में, अपने करियर में, अन्य क्षेत्रों में दर्शकों प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों ये थी आज हमारी पन्ना रत्न के विषय में विशेष जानकारी, विशेष यात्रा, जो कि यहीं पर समाप्त होती है। आपके मन में यदि हमारे इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न हो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में जो है लिख के हमें भेजिए। तो दर्शकों यहीं पर आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। astroswamiji.com को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।